पर आज हम पढ़ेंगे अनुवाद प्रक्रिया में दीर्घीकरण और समापन पद। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि अनुवाद प्रक्रिया का आरंभन कैसे होता है और आरंभन सम्मिश्र कैसे बनता है। उसके बाद जो पहले पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद से जो लास्ट पेप्टाइड बॉन्ड बनने तक की जो स्टेप्स होती है वो दीर्घीकरण प्रक्रिया में आती है। इस दीर्घीकरण की प्रक्रिया के लिए आरंभन सम्मिश्र की जरूरत होती है और नेक्स्ट अमाइनो एसाइड टीआरएनए जो कि mRNA जो mRNA पे नेक्स्ट कोडॉन है उससे स्पेसिफाई होता है। फिर जो साइटोसोलिक सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम इलॉन्गेशन फैक्टर कहते हैं, इन इलॉन्गेशन फैक्टर की जरूरत होती है। मे बी तीन इलॉन्गेशन फैक्टर होते हैं EFTU जो कि टेम्परेचर अनस्टेबल, EFTS जो कि टेम्परेचर स्टेबल है और इलॉन्गेशन फैक्टर जी। और चौथा जो है GTP की जरूरत होती है जो कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये जो इलॉन्गेशन की प्रक्रिया है वो तीन पदों में एक अमाइनो एसिड के को ऐड करने के लिए तीन स्टेप्स की जरूरत होती है और ये तीन स्टेप्स जो है ये साइकिल जो है फिर से रिपीट होती रहती है और इस तरह एक एक अमाइनो एसिड जो है ट्रांसफर होता जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह ये तीन स्टेप्स में एक अमाइनो एसिड जो है वो ऐड होता है। ये आरंभन सम्मिश्र है जो कि आरंभन की प्रक्रिया के द्वारा बना था, यहाँ तक हम देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट अमाइनो एसाइड टीआरएनए जो है वो ए साइट पर अमाइनो एसाइड साइट पर राइबोसोम में एंटर करेगा। इसे एंटर या प्रवेश करने के लिए सबसे पहले ये EF2U GTP के साथ बाइंड करता है, उस तरह टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें GTP इलॉन्गेशन फैक्टर TU और टी अमाइनो एसाइड TRNA होते हैं। ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स जो है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है और अमाइनो एसाइड TRNA को ट्रांसफर कर देता है अमाइनो एसाइड साइट पर। जब ये ट्रांसफर करता है तो EFTU जो है वो EFTU GTP के साथ रिलीज हो जाता है और रिटॉर्गेनिक फॉस्फेट अलग रिलीज होता है उस प्रक्रिया के लिए या अटैचमेंट के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अब ये जो EFTU GTP जो है वो वापस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए वापस EFTU GTP में परिवर्तित होता है। इसके लिए सबसे पहले ये EFTU जो है वो EFTS जो कि टेम्परेचर स्टेबल इलॉन्गेशन फैक्टर है उसके साथ सम्मिश्र बनाता है EFTU TS सम्मिश्र और GTP को मूव कर देता है। ये GTP जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके पुनः GTP बनाता है और ये GTP फिर EFTU TS सम्मिश्र के साथ रिएक्ट करके EFTU GTP कॉम्प्लेक्स बना देता है वापस और EFTS को यहाँ पर मुक्त कर देता है। इस तरह आप देख रहे हो यहाँ पर ये GTP साइकिल चल रही है जिसमें GTP पुनः EFTU GTP में परिवर्तित करता है ताकि ये अगले अमाइनो एसाइड TRNA को ए साइट पर अटैच कर सके। अब यहाँ पे जैसे ही ये अमाइनो एसाइड साइट पर अमाइनो एसाइड TRNA बन जाता है तो फैबी मेथियोनिन जो है यहाँ ट्रांसफर होके इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है जिसके लिए पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है इस क्रिया को प्रेरित करता है जो कि राइबोसोम की लास्ट सबयूनिट पर उपस्थित होता है। तो अब ये जो बी साइड पर जो TRNA था वो खाली हो जाता है जिसे हम एम्प्टी TRNA कहते हैं जो कि एग्जिट साइड से राइबोसोम कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाता है। और इसके बाद अगली प्रक्रिया में राइबोसोम mRNA पर तीन बेसिस या एक कोडॉन से 3' की तरफ मूव करता है जिसे हम ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया कहते हैं। मतलब ट्रांसलोकेशन की लोकेशन की प्रक्रिया में राइबोसोम कॉम्प्लेक्स जो है वो mRNA पे मूव करता है एक कोडॉन से ताकि वो अगले कोडॉन के अकॉर्डिंग अगले अमाइनो एसाइड tRNA से अमाइनो एसिड को बाइंड कर सके। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसलोकेशन की जो प्रक्रिया है वो भी अकेले ही नहीं हो पाती, उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा जो है वो इलॉन्गेशन फैक्टर जी जो है वो GTP के साथ बाउंड होता है और उसे ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये एक्सरसाइज से रिमूव हो जाएगा और ये इलॉन्गेशन फैक्टर जी GTP कॉम्प्लेक्स के साथ या उसकी उपस्थिति में ये GTP में परिवर्तित हो जाता है और ये इलॉन्गेशन फैक्टर भी रिमूव हो जाता है और राइबोसोम जो है mRNA पर 3 स्टेप्स या 1 कोडॉन स्टेप से आगे बढ़ जाता है जिससे ये AUG वाला पार्ट निकल गया और ये अगले कोडॉन पर आ गया। अब अगले कोडॉन पे आके ये जो फॉर्मेल मेथियोनिन और एडेनाइन के बीच में जो पहला पेप्टाइड बॉन्ड बना था वो जो ए साइड पे था वो अब वापस पी साइड पे या पेप्टाइड
शिफ्ट हो गया और अमाइनो ऑक्साइड साइट जो है वो अगले अमाइनो ऑक्साइड की आरएनए के लिए फ्री हो गई। तो अब वापस ये पूरे स्टेप्स जो है फिर से होंगे, अगले अमाइनो ऑक्साइड की आरएनए को ऐड करेंगे ताकि अगला अमाइनो एसिड यहाँ पर बाइंड कर जाए। इस तरह आपने देखा कि ये तीन स्टेप में एक एक अमाइनो एसिड एंटर करते जाते हैं और एक अमाइनो एसिड के एंटर करने में 2 GTP अणुओं का उपयोग होता है। अब ये द्विघीकरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि टर्मिनेशन कोडॉन ना हो जाए। तो टर्मिनेशन को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि आखिरी पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद जो प्रक्रिया होती है उसे हम टर्मिनेशन कहते हैं। और इसके लिए प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए में 3 टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं जो है यूएजी, जिसे एम्बर, यूजीए, ओपिल, यूएए, ओपिले कहते हैं, जिसमें से यूएजी और यूजीए जो है वो रिलीज फैक्टर 1 से रिकॉग्नाइज होते हैं और यूएए जो है वो रिलीज फैक्टर 2 से रिकॉग्नाइज होता है। अब हम देखते हैं इसकी क्रियाविधि। जब कभी ए साइट जब जो है वो टर्मिनेशन कोडॉन पर या नॉनसेंस कोडॉन पर पहुंचती है तो स्पेसिफिक रिलीज फैक्टर उस ए साइट में प्रवेश कर जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर यूएजी है तो आरएफ1 एंटर कर जाएगा और यूएए है तो आरएफ2 एंटर कर जाएगा। जैसे ही ये एंटर करता है तो पॉलीपेप्टाइड चेन सबसे पहले पी साइट से रिमूव हो जाएगी और फिर टीआरएनए जो है वो भी पी साइट से रिमूव हो जाता है और फिर राइबोसोम एमआरएनए से अलग हो जाता है। इस तरह पूरा जो असेंबली है वो डिसअसेंबल हो जाती है और अनुवाद की प्रक्रिया का समापन होता है।